हम लोग की ट्रिप स्टार्ट होती है। और अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं मेरी अदर ब्रेस के चैनल को। तो आज का कैप्शन देख के तो आपको पता ही चल गया होगा किस चीज़ का वीडियो है। आज हम जा रहे हैं नेपाल और ट्रिप पर हमने क्या क्या किया, किस तरह से इन्जॉय किया, व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंटरटेनिंग है। तो आइए चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ जा रही हैं आप लोग, क्या करने जा रही हैं वहाँ? क्या करने जा रही हैं आप लोग वहाँ? इंजॉय करने? आप लोगों को पता ही होगा तो हम इंजॉय करने जाएंगे और पार्टी करने जाएंगे, आपको पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो हम लोग आ गए हैं, कहाँ आ गए हम लोग, क्या खा रहे हैं? पैटीज। तो ये आ गए हैं हम एक ढाबे पर और ये बाराबंकी के करीब में है और सबको थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो थोड़ा चाय भी पीनी थी सबको, तो बस यहाँ आ गए थे हम थोड़ा चाय नाश्ते के लिए। ये बुशरा ने अपना कुछ खाना पीना निकाला है। हाँ, इनका ब्रंच होने जा रहा है जो कि इवनिंग में हो रहा है। बेसन की रोटी जो कि टूटी भी क्यों है इतनी, पता नहीं। फूड मेकिंग का ब्लॉग चल रहा है यहाँ पे। तो मेरे भी एक चैनल है। तुम्हारा भी चल रहा है? तो पकौड़ियाँ आ चुकी हैं, गर्मा गर्म, क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार। और चटनी बहुत मज़ेदार थी पर चाय जो थी वो बहुत बेकार सी थी। जैसे ये देखने में लग रही है वैसे ही टेस्ट में थी, बेकार सी। तो चाय पी के तो बिल्कुल मूड ऑफ हो गया। तो बस अब हम यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। तो ये है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर और अब हम इंटर करने जा रहे हैं नेपाल में। और यहाँ हम इंटर कर चुके हैं नेपाल में और यहाँ से बस सीधे जहाँ हमारी होटल की बुकिंग है उसकी कार यहाँ पर आएगी हमें रिसीव करने के लिए। और बस हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कल्पथरू करके नाम था होटल का जहाँ पर हम रुके थे। तो ये हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सजावट है क्योंकि हम दिवाली के एक दिन पहले पहुँचे थे तो काफ़ी फेस्टिवल सीज़न है तो जाहिर सी बात है हर तरफ सजावट थी। और यहाँ नेपाल में भी बहुत धूमधाम से दिवाली को मनाया जाता है और काफ़ी दिन तक, दो चार दिन तक ये भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और हम ये उसके रिसेप्शन पर पहुँच चुके थे और फिर हम पहुंच गए हैं लॉबी में और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपने रूम्स के लिए। तो सामान हमने अपना सारा जितना भी लगेज था यहाँ पर लाके रख दिया था और अब वो हमें रूम्स देंगे तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये कैफे है। तो अभी यहाँ पर खुश हो चुके हैं कि उन्हें जिम दिखाई दे गया है कि यहाँ पर जिम भी है तो इनकी एक्सरसाइज इतने दिन छूटेगी नहीं, मिस नहीं होगी। तो बहुत खुश हो गए थे देखकर। और बस अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं रूम्स के लिए। It is so small.
प्रेयर हॉल भी है, आप लोग जा सकते हैं। बोलो बाहर कैंटीन में आओ। तो ये हैं हमारे रूम्स, हम अपने अपने रूम्स में आ चुके हैं। तो कुछ कॉफ़ी और चाय बनाई जाए, मैं तो खैर चाय पीऊँगी तो चाय बनाई जाए। हैं और अब सब फ्रेश हो रहे हैं और कुछ चाय कॉफ़ी पी जाएगी, उसके बाद मैं आगे का दिखाती हूँ फिर हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो रह गई थी मेरी ईशा की नमाज़, और पहले नमाज़ पढ़ेंगे तो बस दुपट्टा नमाज़ का और छोटी सी जानमाज़ मैं लेकर आई थी। तो चलें सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फ्रेश होकर अब मैं बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और अब हम जाएंगे नीचे थोड़ा खाने पीने के लिए। और बच्चों के लिए मैंने यहीं रूम पर ही ऑर्डर कर दिया था खाने पीने का, तो बच्चे दूसरे रूम में हैं। तो बच्चों की यहाँ पर पार्टी चल रही है, सब बहुत भूखे थे, तो क्या खाया जा रहा है? पिज़्ज़ा। कौन सा पिज़्ज़ा है ये? कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? वेजी था। अच्छा, मशरूम वगैरह है। अच्छा, वेज चाउमीन। ओफो भैया सिखा रहे, ओफो बहुत भूखे हैं। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। दूसरे हफ्ते आपसे लगा कि अर्चना बहुत फेमस है, तो फिर आप वहां लगे। ये पूछ रहे हैं कि घर पे मतलब सबको बता दिया है, अम्मा को कॉल करके बता दिया है कि हम सात खैरियत से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं, नहीं तो सब परेशान होते रहेंगे घर पर। तो हम आ गए हैं नीचे खाना खाने के लिए, और यहाँ सारा वेज खाना था, बुफे सिस्टम था यहाँ पर, और काफ़ी वैरायटी थी वेज में, काफ़ी तरह की सब्ज़ी, दाल, रोटी, पापड़, सैलड, और दो तीन तरह की रोटीज़ वगैरह थी, तो वो सब हमने खाया। और खैर हम जब भी बाहर जाते हैं तो प्रेफर करते हैं कि हम वेज ही खाएं, नॉनवेज ज़्यादा नहीं खाएं। तो ये है नेक्स्ट डे का और हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आइरीन रेडी बैठी हुई हैं और ज़ैनब रेडी हो रही हैं, और ये ज़ैनब के पापा रेडी खड़े हैं। चले हाँ। तो ये रूम के बाहर मेरी बहुत बड़ी सी यहाँ पर बालकनी थी, और सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, और खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल था। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे पूल में जाने के लिए, लेकिन मैंने अलाउ नहीं किया क्योंकि काफ़ी मौसम ठंडा था, और आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह चल रहा है मौसम के चेंज होने की वजह से। तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये बड़ा सा यहाँ पर कसीनो है। तो व्लॉग में बहुत एक्साइटिंग चीज़ें अभी बाकी हैं आपको दिखाने के लिए, और वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, शुभ अख़्तियार।